हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक आज हम करेंगे 24 फोर्थ मई के करंट अफेयर्स इस टॉपिक का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है सो लेट्स बिगिन द सेशन क्वेश्चन नंबर वन इज हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट इंडियन माउंटेनियर टू क्लाइम द वर्ल्ड्स हाइस्ट पीक माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र की जो आपकी बनी है माउंटेनियर इनका नाम क्या है तो इनका नाम है काम्या कार्तिकेन तो ये बेसिकली जो काम्या कार्तिकेन है ये सिक्सटीन ईयर्स ओल्ड हैं और ये यंगेस्ट इंडियन बनी है जिन्होंने स्केल की है वर्ल्ड के हाईएस्ट पीक जो कि आपको देखने को मिलेगी नेपाल साइड में इसको कहते हैं नेपाल में सागर माथा माउंट एवरेस्ट को ठीक है और ये डॉटर किसकी है नेवल ऑफिसर की जिनके साथ इन्होंने अपने पिताजी के साथ मिलके ये स्केल की है माउंट एवरेस्ट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विथ स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिजर्व थर्टी थ्री परसेंट ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स फॉर वीमेन तो कौन सी स्टेट ने किया है तो so, ये किया है कर्नाटका ने तो so, इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी कर्नाटका की बात करें कैपिटल है बेंगलुरु सी एम है सिद्धरमैया डेप्टी सी एम है डी के शिवा कुमार एंड गवर्नर है यहाँ के थावर चंद गहलोत नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच थ्री कंट्रीज हैव अनाउंस टू रिकोगनाइज फेलेन एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन मई 2024? तो मई 2024 में किन तीन देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है तो कौन सी तीन कंट्रीज ने किया कहा है ये तो ये कहा है नॉर्वे स्पेन एंड आयरलैंड ने तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पेन हैज़ बिकम द विच मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस तो कौन से नंबर का ये मेंबर बना है आई एस ए का तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी दैट इज़ नाइनटी नाइन्थ बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें फॉर्मेशन हुआ है इसका थर्टियथ नवंबर 2015 फिफ्टीन हेड हैं इसके गुरुग्राम हरियाणा के अंदर स्पेन की बात करें कैपिटल है इसकी मैड्रिड करेंसी है यूरो और प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के पेड्रो सेंचेज नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मई 2024 ट्वेंटी फोर विच कंपनी एक्सपोर्टेड इट्स फर्स्ट एवर कंसाइनमेंट ऑफ हंड्रेड ऑक्टेन प्रीमियम फ्यूल एक्सपी हंड्रेड टू श्रीलंका तो किसको मिला है तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी दैट इज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ठीक है तो इसकी बात करें तो XP हंड्रेड डोमेस्टिकली डेवलप्ड लेवराजिंग इंडियन ऑयल इंडिजीनियस ऑक्टोमैक्स टेक्नोलॉजी है इसको डिज़ाइन किया गया है इस वे से ताकि इससे क्या रहे जो इंजन है उसकी इन्हांस हो जाए परफॉर्मेंस फास्टर एक्सलरेशन रहे स्मूदर ड्राइविलिटी रहे और फ्यूल इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट देखने को मिले ठीक है और ये इको फ्रेंडली फ्यूल है नेक्स्ट क्वेश्चन इज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान अटेंडेड एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा 2024 द एक्सरसाइज हैज़ बीन कंडक्टेड बाय तो किसने कंडक्ट करवाई है ये एक्सरसाइज तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी दैट इज डिफेंस साइबर एजेंसी एम क्या है डेवलप करेंगे साइबर डिफेंस कैपेबिलिटी ऑफ ऑल साइबर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन और प्रमोट करेंगे सिनर्जी अमंग ऑल स्टेक होल्डर्स University of Tokyo has recently inaugurated the Atacama Observatory in Antofagasta region. Antofagasta region located in which country? तो ये region कौनसी country में आपको देखने को मिलेगा? तो इसका answer रहेगा आपका option B that is Chile. ठीक है। Atacama Observatory ऑलसो हाउज सिक्स पॉइंट फाइव मीटर ऑप्टिकल इन्फ्राडाइट टेलीस्कोप टेलीस्कोप फोकस करेगा ऑन अंडरस्टैंडिंग नेचर ऑफ यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू इमोल्स एकेडेमिक सेक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुजीन अवार्डेड प्रेस्टिजियस शॉप प्राइज इन एस्ट्रोनॉमी फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर तो किसे दिया गया है यह अवॉर्ड तो इसका आंसर रहेगा आपका श्रीनिवास कुलकरणी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर श्रीनिवास कुलकर्णी को ये अवार्ड दिया गया है एस्ट्रोनॉमी के अंदर श्रीनिवास कुलकर्णी इंडियन ओरिजिन यूएस साइंटिस्ट हैं और ये ब्रदर किसके हैं सुधा मूर्ति के जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है शो प्राइज किसके अंदर एस्ट्रोनॉमी के अंदर जो शो प्राइज है ये तीन एनुअल प्राइज तीन में दिया जाता है एस्ट्रोनॉमी में लाइफ साइंस एंड मेडिसिन में एंड मैथमेटिकल साइंस के अंदर ठीक है और इस अवार्ड के अंदर कितने 1.2 मिलियन डॉलर दिए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज जर्मन राइटर जैनी एरपिन बैच एंड ट्रांसलेटर माइकल हॉफमैन हैव रिसिव द इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर विच स्टोरी तो किसके लिए दिया गया है इन्हें बुकर कर प्राइज़ तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए दैट इज़ कैरोज ठीक है जर्मनी ऑथर जैनी एर्पेन हैक एंड ट्रांसलेटर माइकल वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर फिक्शन कैरोस जो कि स्टोरी है किसकी अ टैंगल लव अफेयर ड्यूरिंग द फाइनल ईयरस ऑफ ईस्ट जर्मनीज एग्जिस्टेंस नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ वन द गोल्ड मेडल इन वीमेन फोर्टी के जी कैटेगरी एट आई डब्ल्यू एफ वर्ल्ड यूथ चैम्पियनशिप तो किसने जीता है ये तो ये जीता है प्रीति स्मिता भोई ने तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन इज महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी इज इन विच स्टेट तो कौन सी स्टेट में देखने को मिलेगी महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी आपको तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी दैट इज केरला यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 पब्लिश्ड बाय टाइम्स हायर एजुकेशन महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी इन कोटियम केरला रैंक 81 वन ग्लोबली हैज इमर्ज द हाएस्ट रैंकिंग इंडियन यूनिवर्सिटी टॉप तीन यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं तो ये हैं नैनयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर पेरिस साइंसिस लेटर यह है पी एस एल रिसर्च यूनिवर्सिटी पेरिस के अंदर हॉगकॉन्ग यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी आपको हॉन्गकॉन्ग के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अच्छा इंडिया की रैंकिंग देखें डिफरेंट इंडजीज के अंदर वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 यूएई ने टॉप किया है वेल्दियस्ट सिटी रिपोर्ट न्यूयॉर्क टॉप पे है मुंबई ट्वेंटी पे है डेली थर्टी पे है ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट में इंडिया थर्ड है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया वन पे है नॉर्वे ने टॉप किया है वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स के अंदर इंडिया टेंथ पे है और रशिया फर्स्ट पे है नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हैज़ लॉन्च अ कैंपेन टू इंस्पायर पीपल टू सेलिब्रेट द एथलीट्स पार्टिसिपेटिंग इन अपकमिंग ओलंपिक गेम्स इन पेरिस वट इज़ द नेम ऑफ दिस कैंपेन तो इस कैंपेन का नाम क्या है तो ये है लेट्स मूव इंडिया ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ठीक है आई ओ सी लॉन्चिज लेट्स मूव इंडिया कैंपेन ताकि लोगों को इंस्पायर किया जाए वो सेलिब्रेट करें एथलीट्स टू सेलिब्रेट एथलीट्स एट पैरिस ओलंपिक्स जो आई ओ सी है इन्होंने लॉन्च की है लेट मूव इंडिया इनिशिएटिव लोगों को इंस्पायर करने के लिए जो कि आपके अपकमिंग ओलंपिक गेम्स देखने को मिलेंगे कहाँ पे पेरिस के अंदर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद टाटा कम्युनिकेशन टू लॉन्च वेबिक्स कॉलिंग इन इंडिया इन मे 2024 तो कौन सी है ये तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए दैट इज सिस्को के साथ इन्होंने ये पार्टनरशिप की है वेबिक्स कॉलिंग इज़ अ मॉडर्न एंड कंप्लीट बिजनेस फोन सिस्टम जो डिलीवर करेगा एंटरप्राइज क्रेड कॉलिंग थ्रू ग्लोबली अवेलेबल क्लाउड प्लेटफॉर्म विद ओवर 14 मिलियन यूजर्स अराउंड द वर्ल्ड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज़ रिकॉर्डेड हाएस्ट ग्रोथ रेट इन फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी फोर इन टर्म्स ऑफ टोटल बिजनेस एंड डिपॉजिट मोबिलाइजेशन अमंग पब्लिक सेक्टर लैंडर्स तो कौन से बैंक ने रिकॉर्ड किया है हाइएस्ट ग्रोथ रेट तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी बैंक ऑफ महाराष्ट्र लैंडर हैज रजिस्टर्ड एज फिफ्टीन पॉइंट नाइन फोर परसेंट राइस इन द टोटल बिजनेस इन फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी फोर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल ब्रदर डे इज़ सेलिब्रटेड एवरी ईयर ऑन विच डे टू रिस्पेक्ट द स्पेशल बॉन्ड शेयर बिटवीन ब्रदर्स तो ये मनाया जाता है ट्वेंटी फोर्थ ऑफ मई को तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन से ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ मार्कर इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे तो किस दिन मनाया जाता है ये तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी दैट इज मई ट्वेंटी फोरथ ठीक है यूनाइटेड जनरल असेंबली ने प्रोक्लेम किया था मे 24 फोर एज द इंटरनेशनल डे ऑफ द मार्कर बेसिकली जो मार्कर है ये है क्या एक तरह की स्पीशीज है जो कहाँ पे पाई जाती है माउंटेनियस रीजन के अंदर जैसे सेंट्रल एंड साउथ एशिया के अंदर इसके अंदर अफगानिस्तान इंडिया पाकिस्तान तजकिस्तान यहाँ पे ये स्पीशीज को पाया जाता है ठीक है तो इस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज सचिन सरजरैरो खिलाड़ी हु वॉज सीन इन न्यूज़ इन मई ट्वेंटी फॉर अचीविंग अ रिमार्केबल अचीवमेंट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी दैट इज शॉर्टपुट के साथ एसोसिएटेड है पैराथलीट हैं ये इंडिया सचिन सर्जियो खिलाड़ी क्लिश्ड इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है मैन शॉर्टपुट एट वर्ल्ड पैराथलीट चैंपियनशिप इन कॉप जापान के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ विल होस्ट द ए एफ सी विमेन एशियन कप ट्वेंटी ट्वेंटी नाइन तो कौन होस्ट करने जा रहा है ये तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी दैट इज ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट क्वेश्चन इज द दिस मार्क्स ऑस्ट्रेलिया सेकेंड टाइम होस्ट कर रहा है इसे फर्स्ट टाइम इन्होंने किया था 2006 के अंदर प्रेजिडेंट कौन है ए का तो ये हैं शेख सलमान अब हम कुछ स्टैटिक चीके के क्वेश्चन देखेंगे हु क्रिएटेड होट मेल तो ये किसने बनाई है होट मेल तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए दैट इज सबीर भाटिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अबंडेंट इन गोबर गैस तो गोबर गैस के अंदर सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलता है गोबर गैस को कहते हैं बायोगैस इनके अंदर मैक्सिमम अमाउंट में देखने को मिलेगा आपको मिथेन ठीक है और ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है जो मिथेन रिच कैशियस फ्यूल प्रोड्यूस्ड बाय एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ बायोमास विद दी हेल्प ऑफ मिथेजोनिक बैक्टीरिया तो बेसिकली इन्होंने बताया है कि जो मिथेन रिच कैशियस फ्यूल है वो कैसे प्रोड्यूस किया जाता है तो उसका प्रोडक्शन के लिए एनारोबिक रिएक्शन देखने को मिलेगा जो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट वॉज इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल पार्क तो कौन सा था तो ये है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो बना था आपका इसका दूसरा नाम है हेले नेशनल पार्क कौन सी ईयर में बना था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्योंकि मैंने आपको ये पहले भी बताया था और जो हेले नेशनल पार्क है या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है कहाँ पे देखने को मिलेगा उत्तराखंड के अंदर काजीरंगा की बात करें तो ये है असम के अंदर किसके लिए फेमस है वन हॉर्न राइनोसरिस के लिए ठीक है सुंदरबन नेशनल पार्क की बात करें तो ये है वेस्ट बंगाल के अंदर रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिलेंगे बांदीपुर आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर कर्नाटका के अंदर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन दी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ असम तो जैसे कि अभी मैंने बताया है कौन सा है तो ये है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क ठीक है बात करें रंथम की तो ये है राजस्थान के अंदर कहाना नेशनल पार्क है आपका मध्य प्रदेश के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाथुकामा एंड बोनालू आर स्टेट फेस्टिवल ऑफ तो कौन से स्टेट के अंदर ये फेस्टिवल मनाया जाता है तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ऑप्शन डी दैट इज़ तेलंगाना अगर आपको ये फेस्टिवल याद नहीं रहता कैसे याद रखेंगे हम इसे देखिए यहाँ पे बात है ना तो जब भी कोई नहाता है तो वो क्या लगाता है तो तेल का यूज़ करते हैं या फिर हम बोन्स पे क्या लगाते हैं तेल लगाते हैं हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन ख़त्म होता है आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन